WWE में फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर हमें रॉयल रंबल में एंटर करते हुए नजर आ सकती है, यानी कि अपना डेब्यू करते हुए देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस WWE में फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर हमें देखने को मिलेगी और वो होने वाली है कविता देवी। क्योंकि गाइस कविता देवी वो वुमेन है कि जो WWE में पहली महिला रेसलर है कि जो WWE में गई है। लेकिन गाइस कविता देवी को खाली मेयंग क्लासिक 2 सीजन में लिया हुआ है और कविता देवी को उसके अंदर हार हुई है। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं, कविता देवी गाइस कुछ टाइम पहले या फिर मैं कहूँ कुछ महीनों पहले कविता देवी इंजर्ड हो चुकी थी और उसी के चलते कविता देवी हमें WWE में नहीं देखने को मिलेगी। गाइस कविता देवी NXT का पार्ट थी, इसी की वजह से गाइस कविता देवी इंजर्ड होने के चलते कविता देवी WWE से बाहर थी। लेकिन गाइस कविता देवी हमें रॉयल रंबल में अपना WWE मेन रोस्टर में डेब्यू करते हुए नजर आ सकती है। क्योंकि गाइस कविता देवी वो रेसलर है कि जो इंडिया से पहली वुमेन रेसलर है जो कि WWE में गई है। इसीलिए गाइस कविता देवी पुश डिजर्व करती है क्योंकि वो पहली वैसी महिला है जो कि इंडिया से जो कि पहली बार WWE में गई है। और गाइस रिपोर्ट्स की माने तो गाइस कविता देवी अभी ठीक हो चुकी है और कविता देवी हमें एंटर करते हुए नज़र आ सकती है रॉयल रंबल में। तो गाइस मैं उसका रीज़न बता देता हूँ। तो गाइस अब रॉयल रंबल गाइस अभी मेन रोस्टर में होने वाला है क्योंकि मेन रोस्टर के हिस्सा होते हैं, लेकिन NXT के भी कई सुपरस्टार हमें रॉयल रंबल में हिस्सा लेते हुए भी नज़र आने वाले हैं। और गाइस कविता देवी तो आपको पता है कि वो NXT की हिस्सा है। और गाइस WWE हमें दिखा सकती है कि कविता देवी का डेब्यू हो चुका है मेन रोस्टर में रॉयल रंबल में। तो गाइस जैसा WWE कर सकती है क्योंकि गाइस इंडिया से उनको रेटिंग्स चाहिए और वो फिलहाल आ रही नहीं है क्योंकि WWE का एक बड़ा सुपरस्टार जिंदर माल अभी तक WWE से बाहर है इंजरी के चलते। और गाइस WWE को इंडिया से रेटिंग्स नहीं आ रही है क्योंकि इसीलिए गाइस WWE ने इंडिया में जो यूट्यूब चैनल देखते थे लोग, हाईलाइट्स देखते थे WWE के चैनल पर, वो हटा दी है। क्योंकि गाइस इंडिया से सब लोग यूट्यूब पर ही वीडियो देख लेते थे और टीवी टैपिंग्स पर उनको रेटिंग्स नहीं आती थी। और गाइस कविता देवी हमें रॉयल रंबल में एंटर करते हुए नज़र आ सकती है और करेंगी अपना डेब्यू मेन रोस्टर में। और गाइस ये तो गाइस विंस मैकमैन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कविता देवी को किस तरह से पुश देती है, एंटर कराती है रॉयल रंबल में या फिर नहीं, ये तो विंस मैकमैन के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो बस आज की वीडियो यही तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ कमेंट करके आप लोग हमें बताना कि आप चाहते हो कि कविता देवी रॉयल रंबल में अपना डेब्यू करें। उसी के साथ ही साथ गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। अब तक के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर।